नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस प्रश्नों का। ये मेरा पार्ट 13 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो बल्ब का फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की मुद्रा का नाम है दिनार, ठीक है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार जो है इराक की मुद्रा का नाम है। इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद, याद रखिएगा। बगदाद जो है इराक की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, याद रखिएगा कि भारत की जो जलवायु है यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर सिरिसिलम अभयारण्य, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर सिरिसिलम अभयारण्य है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था। तो नौसेना शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। कौन सा वंश? यानी कि नौसेना शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो फैज़ाबाद, ध्यान रखिएगा कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी। अच्छा, लखनऊ किसकी राजधानी है वर्तमान में? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है आपके सामने कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है चीन, ठीक है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन, और दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत, ठीक है। भारत जो है जनसंख्या के मामले दूसरे नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल के मामले में सातवें नंबर पर आता है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर भारत, और क्षेत्रफल के मामले में सातवें नंबर पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वो है रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किस काल की थी। तो राष्ट्रकूट काल की थी, ठीक है। याद रखिएगा कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत जो है ये किस काल की थी। तो राष्ट्रकूट काल की थी। नेक्स्ट है कि किस धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। तो ये औरंगजेब ने करवाया था, ध्यान रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर की जो हत्या थी ये 9वें गुरु थे सिख धर्म के, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है ये किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। एक गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था जहांगीर ने, ये भी याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर ने करवाया था, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाए थे। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था। तो अकबर ने चलाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि ओणम किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है। तो केरल की है, ठीक है। याद रखिएगा कि ओणम जो है ये केरल राज्य की प्रमुख त्यौहार है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो केरल, ठीक है। केरल जो है ये मसाला के उत्पादन में सबसे अग्रणी है केरल, और कॉफ़ी के उत्पादन में है कर्नाटक, और केरल जो है ये मसाला के उत्पादन में है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र में क्या क्या आता है? छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, ठीक है। ये पंचतंत्र होता है, और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो डेसिबल, ठीक है। डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल, याद रखिएगा। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अच्छा, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर, ठीक है। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन कोबाल्ट जो है ये किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव कराया जाता है? तो 2 वर्षों पर। याद रखिएगा कि राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए 2 वर्षों पर चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS। एड्स का फुल होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसिव सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसिव सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आयरन, जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, ठीक है, आयरन का हिंदी क्या होता है? लोहा। लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। ठीक है, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? यानी कि आयरन का Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 26 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम। ठीक है, यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, याद रखिएगा कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियार्ड से है। ठीक है, याद रखिएगा कि गीत सेठी का जो संबंध है ये बिलियार्ड खेल से है। नेक्स्ट है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। सवाल है कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का। ठीक है, याद रखिएगा कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का वर्णित है। नेक्स्ट है कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हेलेविड में। ठीक है, यानी होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ है? हेलेविड में है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग कौन नहीं लेता है? तो इसमें भाग जो है उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा पक्षी स्तनधारी है? तो चमगादड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ जो है ये क्या है? स्तनधारी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81। ठीक है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है कितना है? 1/81। नेक्स्ट है कि रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लुई पाश्चर ने। ठीक है, रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो हैनीमैन। ये जर्मनी के रहने वाले थे, हैनीमैन, होम्योपैथी का जनक हैनीमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, लिबर्टी जो है, यूनिटी ऑफ लिबर्टी जो है, ये की प्रतिमा किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में, USA, यानी कि अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश को कब स्वतंत्र देश हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है और इसकी मुद्रा है टका। वर्तमान में यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस का था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।